हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसज हिपेटाइटिस सो हिपेटाइटिस के जो कॉजेज़ है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसके बाद जो उसके अलग अलग टाइप्स है अलग अलग जो सिम्टम्स है डिसज़ के उसके बाद उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी रहती है वो डायग्नोसिस कैसे होता है एंड किस तरह से ये डिसीज की ट्रीटमेंट की जाती है सभी को हम आज के लिए लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एमप्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल्स है वीडियो लेक्चर है टेस्ट सीरीज वगैरह आपको फार्मारॉक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर से मिल जाएगी सो so, अभी डाउनलोड करिए ये ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले कि गूगल प्ले स्टोर पर से आपको ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले फार्मारॉक्स की ही एप्लीकेशन ऊपर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ कि जिसके अंदर 365 प्रीमियम टेस्ट हम देते हैं आपको 365 डेज के अंदर कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर अनलिमिटेड अटैम्प मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ एम सी क्यू एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एम सी क्यू सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन अवर एप फार्मारॉक्स डाउनलोड द एप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो यहाँ पे आपको इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर यू विल गेट इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस आपको मिलती है गेट योर रैंक बेज ऑन योर परफॉर्मेंस सो गेट्स दिस ऑल फैसिलिटी ऑन अवर एयर फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिपेटाइटिस किपेटाइटिस क्या है तो हेपेटाइटिस इज ए मेडिकल कंडीशन डिफाइंड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ ए लीवर कि किपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है या फिर इसको आप कोई डिसीज़ भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है जो हमारा लीवर है उसका होता है इन्फ्लेमेशन की यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव uh, सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग ऑर्गन है उसी में से एक जो हमारा ऑर्गन है वो है लीवर की यहाँ पे ये यह लीवर जो है वो प्रेजेंट है अब जब पर्सन हेल्दी होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम वन के अकॉर्डिंग टू तो इस तरह से वो हेल्दी लीवर होता है विदाउट एनी डिसीज कंडीशन। बट जब अलग अलग जो रीज़न्स होते हैं कि जो हिपेटाइटिस के जो डिफरेंट कोजेज होते हैं अलग अलग कोजिज अलग अलग जो रीज़न है हिपेटाइटिस होने के उसके कारण क्या होता है लीवर के अंदर होता है ये इन्फ्लामेशन तो ये जो सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग टू आप चेक कर सकते हैं कि पहले जो था कंडीशन हेल्दी लीवर था और अब इन्फ्लामेशन हुआ है प्लस आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं दोनों की साइज़ ये साइज़ देखिए और यहाँ पे देखिए तो सार्ज में आपको मिलेगा एनलार्ज एन लार्ज द साइज ऑफ लीवर क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है जो हम हिंदी में कहते हैं कि जो सुजन आती है कि सुजन आती है लीवर के अंदर उसके कारण ये हिपेटाइटिस कंडीशन जो है वो फॉर्म होती है सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल इन द टी सू ऑफ द ऑर्गन तो नॉर्मली अब हमको पूरा एक पाथवे पता है कि बहुत सारे जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर सेल कंबाइन होके बनाती है टिश्यू फिर बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके बनाती है ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम कोई भी ऑर्गन के सिस्टम के लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है की कि समझो कि ऑर्गन सिस्टम को हम समझ लें कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सेल तो सेल समझो कि कोई लीवर के सेल है ये बनाकर लीवर की टिश्यूज़ क्रिएट करते हैं लीवर की बहुत सारी टिश्यू कन्वर्ट करके ऑर्गन तैयार होता है हमारा लीवर ये लीवर वाली जो ऑर्गेन सिस्टम है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल कि ऐसे सेल को जो जिनको क्या लगा है इन्फेक्शन लगा है और ये इन्फेक्शन के कारण ये सेल का हुआ है ये इन्फ्लामेशन तो ये जो कंडीशन है उसको हम सिंपली कह सकते हैं हिपेटाइटिस आगे जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हिपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लीवर कि ये आपका जो है वो नॉर्मल लीवर है अब यही लीवर का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी साइज़ भी इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी कि इसको हम कहेंगे लीवर का इन्फ्लामेशन कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इट इज़ द कॉमनली कॉज बाय ए वायरल इन्फेक्शन बट देर आर अदर पॉसिबल कॉजिज ऑफ हिपेटाइटिस तो हिपेटाइटिस जो है वो उसके अलग अलग हिपेटाइटिस वायरस है उसके कारण होता है कि हिपेटाइटिस नाम के अलग अलग जो वायरस है कि हिपेटाइटिस ए वायरस है हिपेटाइटिस बी वायरस है हिपेटाइटिस सी डी एंड ई e. ये पांच डिफरेंट टाइप के हिपेटाइटिस जो वायरस है उसके कारण ये डिसीज़ होती है हिपेटाइटिस वायरस जिसको हम कहते हैं तो हिपेटाइटिस वायरस के कारण ये डिसीज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं हीपेटाइटिस और इसके अंदर मेन ये चीज़ इन्वॉल्व है कि इन्फ्लामेट्री कंडीशन ऑफ लीवर लीवर का हमारा हो जाता है इन्फ्लेमेशन इसके अंदर उसके और भी कॉजेज है कि दिस इंक्लूड्स द ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस एंड हिपेटाइटिस दैट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस ड्रग टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल तो उसके पीछे जो हम जानते हैं कि अलग अलग जो रीज़न हम कह सकते हैं तो एक तो वायरस या फिर वायरल इन्फेक्शन ये होगा आपका रीज़न नंबर वन उसके बाद ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस वो होगा आपका सेकंड रीज़न उसके अलावा जो सेकेंडरी रिजल्ट है कि अलग अलग मेडिकेशंस, ड्रग्स टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल की जो मेडिकेशंस होती है कि जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए उसका ओवरडोज या फिर जो हम कहते हैं ओवरडोज के कारण होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है लीवर का कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन हिपेटोटॉक्सिक uh, होती है कि स्पेशली वो क्या करती है लीवर uh, को डैमेज करती है लीवर पे ऊपर इन्फ्लामेशन ला सकती है सूजन ला सकती है एज देयर साइड इफेक्ट फिर ये जो ड्रग कि जो स्पेशली अलग अलग नशे करने के लिए uh, जो ड्रग्स यूज़ की जाती है टॉक्सिन्स है एंड अल्कोहल के स्पेशली जो अल्कोहल कंटेनिंग जो ड्रिंक्स है वो उनका एक्सेसिव लेने के कारण भी हेपेटाइटिस होता है बिकॉज डायरेक्टली ये सभी के अंदर क्या डमेज होगा आपका लीवर और लीवर जब डैमेज होगा उसका इन्फ्लेमेशन होगा तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं हिपेटाइटिस तो अब आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज लीवर सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि लीवर क्या है तो ह्यूमन लीवर की जब हम एनाटोमी देखें सिंपल तो उसकी एनाटोमी और फिजियोलॉजी जब आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो लीवर है उसके अंदर अलग अलग ये जो वेन्स होती है कि जो आप उनको प्रो सप्लाई करती है ब्लड ब्लड सप्लाई के लिए हिपेटिक आर्टरी, पोर्टर वेन वग़ैरह उसके ऊपर ये एटेस जो उसको ब्लड सप्लाई करती है उसके बाद उसके साथ ये ऑर्गन अटैच है जिसको हम कहते हैं गैल ब्लेडर ग्लैड ब्लेडर में से ये बाइल डक निकल रही है तो लीवर का फंक्शन क्या है कि द तो लीवर इज़ एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स मतलब कि ऐसे एनिमल की जिनके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड वाले जितने भी एनिमल्स है वह सभी के अंदर ये लीवर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका काम है डिटॉक्सीफाई डिटॉक्सीफाइज द वेरियस मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज प्रोटीन एंड प्रोड्यूस बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड ग्रोथ कि जब हमने जॉन्डिस के बारे में सीखा था तब हमने लीवर का उसमें मेन प्राइम फंक्शन देखा था कि जब आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं तो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से बनता है बिली रूबिन ये बिली रूबिन करता है बाइल डक के थ्रू बाइल डक के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे प्रेजेंट पहुँचता है लीवर के अंदर यह लीवर क्या करता है ये ये बिली रूबिन को सॉल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके उसका करवाता है फर्दर एक्सक्रिएसन एक्सक्रीशन करवाएगा थ्रू यूरिन भी करवा सकता है प्लस स्टूल के थ्रू उसका एक्सक्रीशन हो जाता है इस तरह से क्या होगा डिटॉक्सीफाई क्योंकि बिली रूबिन एक टाइप की हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है तो नॉट ओनली द बिली रूबिन पर ऐसे भी बहुत सारे टॉक्सिनस है कि जिसको लीवर क्या करता है डिटॉक्सीफाई करके हमारी बॉडी को क्लीन रखने का काम करता है प्लस अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर वो हेल्प करता है जिसके कारण लास्ट में हमें मिलती है एनर्जी कि जब फूड का डाइजेशन होता है अच्छे से उसका मेटा मेटाबोलिज्म हो सकता है मतलब कि जो चया पचे की हम जो क्रिया कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं जो भी हम कोई फूड लेते हैं उसका अच्छे से होना ज़रूरी है डाइजेशन कि जिसको हम कहते हैं खोराक का अच्छे से पाचन होना तो पाचन के लिए यह जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स और उसमें लीवर का बहुत ही बड़ा रोल है तो इन ह्यूमंस इट इज़ लोकेटेड इन द राइट अपर क्वारन ऑफ द एबडोमिन एंड बिलो द डायाफ्राम यहाँ पे मैं आपको उसका लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे ये यह देख सकते हैं कि ये हमारा लोअर जिया ट्रैक तो लोअर जिया ट्रैक का ये यह है यहाँ पे स्टमक और स्टमक के ऊपर यह है हमारा लीवर तो यहाँ पे लिखा है कि राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन राइट अपर ये वाला पोर्शन कि समझो कि एब्डोमिन है उसके समझो कि यह क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं एब्डोमिन का एक समझो कि हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं तो ये समझो कि यह क्वाड्रेंट है एब्डोमिन का तो ये राइट right वाला अपर पोर्शन कह सकते हैं राइट अपर पोर्शन ऑफ आवर एपडोमिन के राइट अपर पोर्शन के अंदर ये हमारा लीवर प्रेजेंट है और यहाँ पे लिखा है बिलो द डायफ्राम तो ये है हमारा लीवर का एग्जैक्ट लोकेशन तो यहाँ पे लिखा है कि इट फिल्टर आउट हार्मफुल सब्सटेंसेस इट फिल्टर आउट द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज़ अल्कोहल from your blood and helps your body to fight off the infection. Infection से सामने लड़ने के लिए हमारे body को वो क्या करता है proper clean रखता है कि जब हमारे body clean होगी from any type of harmful substances तो तब वो अच्छे से अपना work या फिर उसके जो body के अलग अलग function है वो अच्छे से हो पाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो अच्छे से, से एक्सक्रिएट हो जाए और उनका अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो जाए फिर एक्सप्लोर एक्सपोजर टू वायरसेस और हार्मफुल केमिकल दैट कैन हार्म द लीवर व्हेन योर लीवर इज़ डैमेज यू मे डेवलप द हिपेटिक फाइलोर के लीवर को हम दूसरे वर्ड में हिपेटिक कहते हैं तो जब हमारा लीवर डैमेज होता है कि किसी कारण क्योंकि वायरस के कारण और तब भी जब हिपेटाइटिस वायरस ऐसे वायरस की जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे लीवर को तो वो डिसीज़ बन जाएगी फिर हिपेटिक में से हिपेटाइटिस कहा जाएगा और वो है ड्यू टू वेरियस हिपेटाइटिस वायरस हिपेटिक में से बन गया ये डिसीज हिपेटाइटिस ड्यू टू द वायरस एंड अदर कोजिस तो ये है मेन बेसिक ऑफ ए हिपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ़ ए लीवर ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखो कंडीशन ऑफ लीवर है तो हिपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है तो जब आपको पता है बेसिक कि हिपेटाइटिस के अंदर ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लीवर वो ऑर्गन का क्या होता है तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है हिंदी में दूसरे वर्ड में लिखे तो उसका होता है सूजन होती है इट इज़ कॉमनली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन उसके जो अलग अलग रीजन्स है कि समझो कि आप उसके कोजेज़ की लिस्ट बनाते हो तो एक लिस्ट बन जाएगी वायरस वाली सेकेंड लिस्ट बन जाएगी अलग अलग ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वाली एक और लिस्ट बनेगी आपकी मेडिसिंस uh, की मेडिसिंस के अंदर आप ड्रग्स uh, भी इंक्लूड कर सकते हैं फिर एक और लिस्ट उसका बन जा, जाएगा यहाँ पे अल्कोहल एक्सेसिव अल्कोहल कंजपस भी एक रीज़न है हेपेटाइटिस होने का एंड अलग अलग टॉक्सिक सब्सटेंस की जो हम कह सकते हैं वेरियस टॉक्सिन्स तो दिस इंक्लूड्स द ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड टाइटिस दैट अकर्स एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस, ड्रग टॉक्सिंगस एंड अल्कोहल। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इज अ डिसीज दैट अकर्स वैन योर बॉडी मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर लीवर टिस्यू ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना है इसमें क्या कह रहा है वो देखो आप कि ये कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है कि जब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है लीवर की टिश्यू को एंटीजन समझ लेता है लीवर के टिश्यू को क्या समझ लेता है एंटीजन और उसके सामने क्या प्रोड्यूस कर देती है एंटीबॉडीज़ तो ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम और वो क्या करेगी हमारा लीवर को ही एंटीजन समझ लेगी और उसके सामने एंटीबॉडीज़ जो है वो टारगेट करेगी तो जिसके कारण क्या होगा कि कंटिन्यूसली ये एंटीबॉडी एंटीजन को डैमेज करते रहेंगे मतलब कि हमारा जो लीवर है वो डैमेज होता जाएगा और फिर जो कंडीशन प्रोड्यूस होगी कि धीरे धीरे वो डैमेज होगा उसका फाइलर होगा और जिसके कारण लीवर का इन्फ्लेमेशन और वो जो जब कंडीशन फॉर्म हो जाती है हेपेटाइटिस तो अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस के जो अलग अलग टाइप्स हैं तो देयर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ ए हेपेटाइटिस कि जो पांच अलग अलग हेपेटाइटिस के वायरस है उसके बेजिस पे उसके पांच टाइप पड़ते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी एन ई e. तो आप ये फर्स्ट देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी है तो जिसको एच सी वी ऐसा क्यों कह जाता है कि एच मतलब कि हेपेटाइटिस सी उसका टाइप एंड वी वी मतलब कि वायरस तो ये जब वायरस से होता है हेपेटाइटिस सी नाम के इसके कारण उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस सी एच सी वी और इज द मोस्ट सीरियस टाइप एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड फिर बी है मतलब कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगा कि जो हमारे अलग अलग बॉडी फ्लूड्स से उसके कारण फैलता है से थ्रू फीसिस ये सेकंड हेपेटाइटिस बी ये थ, आ, थर्ड थ्री हिपेटाइटिस ए नंबर फोर कह सकते हैं आप हिपेटाइटिस ई एंड नंबर फाइव हिपेटाइटिस डी तो ये है अलग अलग पांच मेन टाइप ऑफ है हिपेटाइटिस और ये पांचों टाइप है बेज ऑन इस वायरस कि हिपेटाइटिस वायरस के पांच अलग अलग नाम हैं तो दिस फाइव टाइप आर आर ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ इलनेस एंड डेथ दे कि ये जो है वायरस हेपेटाइटिस वायरस वो काफ़ी इलनेस प्रोड्यूस करता है कि बर्डन ऑफ इलनेस एंड डेथ दे कैन कॉज कि जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है तो काफ़ी कंडीशन जो है वो सीरियस बन जाती है कि जब हेपेटाइटिस होता है द पोटेंशियल फॉर आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक स्प्रेड कि कोई पर्टिकुलर रिजियन के अंदर कोई स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर वो जो है वो स्प्रेड हो सकता है कि उसका स्प्रेडिंग कोई रिजियन के अंदर हो सकता है किसी कंट्री के अंदर हो सकता है या फिर किसी स्टेट के अंदर हो सकता है तो ये है पांच टाइप हिपेटाइटिस के यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं कि सबसे पहले हिपेटाइटिस ए को देखें हम उंड इन द फीसिस ऑफ द इनफेक्टेड पीपल कि जो भी व्यक्ति को हिपेटाइटिस ए वायरस हुआ है तो जब आप उसके स्टूल सैंपल लोगे तो स्टूल सैंपल के अंदर आपको हिपेटाइटिस ए वायरस जो है वो डिटेक्ट होगा यू विल फाइंड द हिपेटाइटिस ए वायरस इन द फीसिस ऑफ दैट इन्फेक्टेड पर्सन सो it clearly indicates that k it founds in the feces of infected people and here you can see that symbol k specially जो stool sample aap lete ho to uske andar ye virus paya jayega second है hepatitis B कि जिसको HBV कहा जाता है कि through body fluids तो body fluid के अंदर आप क्या add कर सकते हो तो body fluid के अंदर add हो सकता है एक तो और सीमेन के थ्रू फैल सकता है बॉडी फ्लू है सलाइवा है उसके थ्रू फैल सकता है उसके अलावा अलग अलग सिक्रेशंस की लाइक यूरिन भी हमारा बॉडी फ्लूड हो गया ऑल्सो द ब्लड किसी को प्लाज्मा डोनेट किया है आपने तो भी उसके थ्रू जितने भी अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के फ्लूड से वो सभी के थ्रू ये हिपेटाइटिस बी फैल सकता है हिपेटाइटिस सी मोस्ट सीरियस एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड कि इसी लिए यहाँ पे सिम्बॉल में आप दिखा रहा है ब्लड कि ब्लड के थ्रू वो सबसे ज़्यादा फैलता है डी में क्या लिखा है कि कैन ऑनली बी कॉन्ट्रेक्टेड इफ यू ऑलरेडी हैव एच बी वी जब पर्सनस को एच बी वी होता है तो वो उसके साथ ये हिपेटाइटिस डी को भी लेकर आता है और फिर लास्ट एक हमारा टाइप बचा हिपेटाइटिस सी तो इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय फूड और वाटर कि जब कॉन्टामिनेसन होता है फूड के अंदर कि कॉन्टामिनेसन है फूड के अंदर कि जो हेपेटाइटिस वायरस का फूड या फिर वाटर ये दोनों के अंदर जब किसी भी तरह से कॉन्टामिनेसन हुआ है वायरस का तो उस वक्त ये डिसीज़ जो है वो हो सकती है कि जो है एच ई वी तो ये सभी पॉइंट एंड टाइप आपके लिए बहुत ही आईएमपी है मोस्ट आईएमपी हम कह सकते हैं फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैंसिक के अंदर यहाँ से जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो निकल सकते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रखना है फिर ये वाला टेबल भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी टेबल हम कह सकते हैं खास आप इसको याद रखें मोस्ट आईएमपी टेबल ऑफ हेपेटाइटिस टाइप्स तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले नेम ऑफ द वायरस हेपेटाइटिस ए वायरस तो उसका क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन सा टाइप का वायरस है तो आ, पिकोरना वायरस है उसका टाइप उसका जीनोम आप देखो तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एसएस एस एस मतलब कि एस मतलब कि सिंगल एंड एक और एस मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंड उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है इसलिए एस एस आर ए लिखा है ट्रांसमिशन थ्रू एंटेरिक पोर्शन ऑफ द आवर बॉडी कि जो हमारा बॉडी का एंटेरिक पोर्शन जो हम कहते हैं स्पेशली कि जो हमारा कॉलन का पोर्शन, कॉलन है इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, फिर उसका इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब फर्स्ट सिम्टम फ़र्स्ट सिम्टम आपको जब देखे जाते हैं बॉडी के अंदर कि जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होने के बाद जब आपके अंदर कोई फर्स्ट सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस होता है तो वो जो फर्स्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है वो टाइम पीरियड को हम कहते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड कि उस वक्त वायरस अपनी अच्छे से ग्रोथ करता है और ग्रोथ होने के बाद आपके बॉडी के अंदर उसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अलग अलग जो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखे जाएंगे तो हिपेटाइटिस ए के लिए है वो 15 से लेकर 45 डेज एम के लिए आपके लिए मोस्ट आई एम पी ये पॉइंट्स क्रोनिकपेटाइटिस इसमें होता है तो नो no लिखा है क्योर तो नो क्योर। ट्रीटमेंट्स यूजली टेक द सिम्टम्स उसके बाद है हिपेटाइटिस बी वायरस तो वो कौन से टाइप का वायरस है तो हिपेडना uh, वायरस है डी एस डी एन ए मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डी मतलब कि डबल डबल स्टैंडर्ड है पेरेंट्रली उसका ट्रांसमिशन हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड 45 टू 160 डेज क्रोनिक हिपेटाइटिस होने के चांसेस है तो हाँ टेन परसेंट चांसिस नो क्योर ट्रीटमेंट यूज टेक द सिम्टम्स फिर एच सी वी हिपेटाइटिस सी वायरस फ्लेवी वायरस टाइप का वो वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए उसका जीनोम है पेरेंट्रली उसका ट्रांसमिशन हो सकता है एंड उसके अंदर आपको याद रखना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड फिफ्टीन से लेकर वन फिफ्टी डेज का क्रोनिक क्रोनिकपेटाइटिस होने के चांसेस है यहाँ पे फिफ्टी परसेंट क्यूआर नो no क्योर सभी के अंदर सेम ही रहेगा क्योर में और वैक्सीनेशन से उसका प्रिवेंशन आप करवा सकते हैं और डिसीज को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरियस मेडिसिनस हेपेटाइटिस डी वायरस की जो डेल्टा वायरस है सिंगल स्टडी नार एन ए पेरेंट्रली एन थर्टी टू सिक्सटी डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड फाइव परसेंट ऑफ को इन्फेक्शन एंड एटी परसेंट ऑफ सुपर इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ई वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए है एंटरिक uh, पोर्सन से उसका ट्रांसमिशन हो सकता है इन फिफ्टीन से सिक्सटीन डेज का है उसका इंक्यूबेशन पीरियड तो ये टेबल आपके लिए मोस्ट आई एम पी है अच्छे से उसको याद रखिए एक और टेबल है इस तरह से भी आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं हेपेटाइटिस ए पिकोरना विरिडे उसका पैथोजन है मेन हिपेडना विरीडे फ्लैवी विरीडे डेल्टा विरीडे कैल्सी विरिडे बी सी डी एंड ई उसके सिम्टम्स है कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स कैसे होंगे तो फीवर हेड एक जोंडिस जॉन्डिस वगैरह देखा जाता है हेपेटाइटिस बी के अंदर सीवियर लिवर डैमेज क्रोनिक डिसीज होती है फिर सेम एज़ एच बी वी हेपेटाइटिस सी के अंदर भी मोर क्रॉनिक है डी के अंदर आप देखो तो सीवियर लीवर डैमेज हाई मोर्टालिटी रेट हिपेटाइटिस डी के अंदर है कि मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो डेथ रेट होता है उसके बाद सी प्रेग्नेंट वुमेन में भी एट हाई रिस्क एंड सो हाई मोर्टालिटी नॉट क्रॉनिक डिसज इंक्यूबेशन पीरियड आप चाहे डेज या फिर वीक दोनों में से याद रख सकते हैं उसके बाद मेथड ऑफ़ ट्रांसमिशन इंजेक्शन से हो सकता है पैरेंट्रल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पैरेंट्रल पैरेंट्रल और इंजेक्शन मतलब कि ये जो रूट हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा इसी तरह से है कि एंटरिक पोर्सन या फिर इंजेक्शन कि हमारी जो ओरल कैविटी के थ्रू स्पेशली वो फैल सकता है इंजेक्शन मतलब कि ओरल कह सकते हैं या फिर एरल एज वेल एज एंटरिक दोनों से हो सकता है और ये जो है तीन पेरेंट्रली ज़्यादा फैल सकते हैं डायग्नोसिस वाला आप देखो तो आई जी एम एंटीबॉडीज आई जी एम एंटीबॉडीज़ पी सी आर ऑफ वायरल डी एन ए आई जी एम एंटीबॉडीज आई जी एम पी सी आर वगैरह से उनका डायग्नोसिस हो सकता है तो अब जानते हैं डिटेल में कॉजिज ऑफ दिस डिसीज़ कि इट इज़ कॉमनली कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन बट देयर आर अदर पॉसिबल कोजिज ऑफ हेपेटाइटिस दिस इंक्लूड्स ऑटो एम इन हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस दैट अकर्स इज ए सेकेंड रिजल्ट ऑफ मेडिकेशंस ड्रग टॉक्सेंस एंड अल्कोहल सो सबसे पहले जानते हैं कि अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिंस तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजशंस कैन कोज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन सब समझो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजशंस करता है तो कैन कोज लीवर डैमेज एंड ये ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सभी को पता है कि सालों से आपको पता है कि जो अल्कोहल है वो डेंजरस टू हेल्थ कहा जाया गया है इवन बॉटल्स पे भी प्रिंट होता है कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजर्पन कैन कोज लीवर डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन तो ये है सबसे बड़ा एक कोज ऑफ ए हिपेटाइटिस दिस इज़ सम्कोहलिक हिपेटाइटिस द अल्कोहल डायरेक्टली इंजियर द सेल ऑफ अवर लीवर कि हमारे जो लीवर है उसके जो सेल है उसको ये अल्कोहल कंटिन्यूसली डैमेज करता जाता है एंड ओवर टाइम इट कैन कोज परमानेंट डैमेज एंड लीड टू लीवर फाइलोर एंड सायरोसिस अथिकनिंग एंड स्कैरिंग ऑफ द लीवर की साइरोसिस की जिसके अंदर लीवर का थिकनिंग होता है एंड स्कैरिंग उसके अलग 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 जो लेयर्स से धीरे धीरे डैमेज हो जा जाते हैं और फिर कंप्लीटली हो जाएगा लीवर फाइलोर कि पहले टेन परसेंट डैमेज हुआ ट्वेंटी परसेंट हुआ थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट और एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट जो है वो व्यक्ति का लीवर फेल हो रहा है ड्यू टू द अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन बिकॉज एक टाइप का ये अल्कोहल क्या है तो हमें पता है कि केमिकल ही है बराबर और ये जो केमिकल्स है वो ऑलवेज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और अल्कोहल बहुत ही खतरनाक केमिकल है कि धीरे धीरे ये हमारा बॉडी का मोस्ट यूज़फुल ऑर्गन कि जो है हमारा लीवर उसी को डैमेज कर दे कि जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म का काम होता है कि लीवर के काम देखे तो वो मेटाबॉलिज्म का काम करता है फिल्टर काम करता है टॉक्सिन्स को डाइजेशन का करता है तो ये मेन बेसिक अच्छे फंक्शन देने वाला आपका ऑर्गन ही जब डैमेज हो जाता है लीवर अल्कोहल uh, के कारण तो नॉट ओनली द हेपेटाइटिस जॉन्डिस भी हो सकता है और बहुत सारे उसके रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं सेकंड रीज़न है कि हेपेटाइटिस कोजिस इटियोलॉजी जो हम देखें तो ऑटो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इन सम केसेस द इम्यून सिस्टम मिस्टेक द लीवर एज अ हार्मफुल ऑब्जेक्ट एंड बिगिन टू अटैक इट कि अब यह नॉर्मल कंडीशन देखे सबसे पहले तो यह है हमारे इम्यून सेल तो इम्यून सेल अटैक द हार्मुल थिंग्स टू द बॉडी समझो कि ये दिखाया है बैक्टीरिया दिखाया है और इसके पीछे आप देख सकते हो यह वायरस है तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों को यह पकड़ लिया है हमारे बॉडी के ये एंटीबॉडीज ने कि जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल थिंग्स तो ये इम्यून सेल की जो एंटीबॉडी है वो अटैक कर रहे हैं किसको वायरस एंड एन वायरस या बैक्टीरिया के जो हमारे हैं एंटीजन तो एंटीजन को वो टारगेट कर रहे हैं बट अब क्या हो रहा है हेल्दी लीवर सेल तो हेल्दी ही रह रहे हैं बट जब हमारा इम्यून सिस्टम में डिफ़ेक्ट होती है ख़राबी होती है तो जब ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस होता है तब क्या होता है कि कन्फ्यूज़ इम्यून सेल स्टार्ट अटैकिंग हेल्दी सेल कि अब जो हमारे इम्यून सेल है आप देख सकते हैं ये जो एंटीबॉडीज़ ये है ये वाला एंटीबॉडी तो उन्होंने क्या किया अब ये अलग अलग जो हेल्दी सेल थे लीवर के उसको क्या कर रहे हैं अटैक करके उनको डैमेज कर रही है तो इस तो क्या होगा कि मिस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है हमारे इम्यून सेल से कि उनको तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए बैक्टीरिया वायरस उसके जगह लीवर को ही वो समझ रहे हैं एंटीजन टेक टाइप का मिस आइडेंटिफिकेशन बाय वर इम्यून सेल और जिसके कारण इट कोज ऑन गोइंग इन्फ्लामेशन दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर ऑफन हिंडरिंग द लीवर फंक्शन इट्स थ्री टाइम्स मोर कॉमन इन वुमन देन इन ए मैन तो ये है एक तीसरा और बहुत बड़ा कोर्स वायरस अल्कोहल के बाद ये ऑटो इम्यून सिस्टम वाला तीसरा बहुत बड़ा केस कि जो हो सकता है कोजेज ऑफ हिपेटाइटिस अब जानते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स हिपेटाइटिस के तो डार्क यूरिन बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है कि यूरिन का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है उसके बाद आप देखो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है व्यक्ति के अंदर राइट अपर एब्डोमिन पेन ये वाला सिंबल आप देखो कि पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन कि यहाँ पे जिस जगह पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी पेन होता है कि राइट right अपर एबडोमिन पेन फिर यहाँ पे लिखा है कि डार्क यूरिन एंड पेल पूप या फिर स्टूल स्टूल यूरिन दोनों का जो कलर है वो काफ़ी हो रहा है डार्क उसके बाद नेक्स्ट उसका सिम्टम देखो जॉन्डिस कि जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जिसको हम कहते हैं जोंडिस पीलिया जो हम कहते हैं फीवर हो सकता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे है देखो थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा पेशेंट का नोजिया एंड वॉमिटिंग नोज़िया होगा तो साथ में वॉमिटिंग होगा ही एनोरेक्सिया मतलब कि रिड्यूज इन एपेटाइट व्यक्ति को काफ़ी कम भूख लगेगी कि रिड्यूज एपेटाइट एनोरेक्सिया डायरिया हो सकते हैं साथ में यहाँ पर देखो डायरिया एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं फटिक कि जिसको हम कहते हैं कि वीकनेस फटीक थकान होना काफ़ी उसके बाद हिपेटोमेगल मेगाली मतलब कि एनलार्ज लार्ज लीवर लीवर की साइज नॉर्मल से काफ़ी इंक्रीज होगी एन एलिवेटेड लेवल ऑफ़ बिलीरुबिन और साथ में जॉइंट पेंस भी हो गए तो ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ए हिपेटाइटिस आगे जो मेन टॉपिक है हमारा कि हिपेटाइटिस का किस तरह से ट्रांसमिशन होता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स मैसेज टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स ये व्हाट्सएप ग्रुप आप खास ज्वाइन कर लीजिए फार्मारॉक्स के कि जो फार्मारॉक्स की जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप खास सब्सक्राइब करिए एज वेल एज ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ऑल्सो यूज द एफ फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस एफ फार्मारॉक्स डाउनलोड द एफ फार्मरऑक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले